ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ଆୟୋଜନ କରିଛି ଟୁରିଜିମ୍ କନକ୍ଲେଭ୍। ଅନେକ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶର୍ମା ସାର୍, ଯିଏକି ଆସାମ ଟୁରିଜିମ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଓଡ଼ିଶା ମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କେ ଧାମ ମେ ଆପକା ସ୍ୱାଗତ ହେ। ହଁ, ମୁଝେ ବି ଓଡ଼ିଶା ମେ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଆପ ଲୋକ କା ସାମ୍ନେ। ହମ ଆସାମ ସେ ଆୟା ହେ, ତୋ ଆପ ଲୋକ କଭି ଆସାମ ମେ ଆଇଏ। ୟେ ଅଗଷ୍ଟ ଯୋ आप लोग ने टूरिज्म कॉन्क्लेव बनाया है, ये बहुत अच्छा किया है टूरिज्म के लिए। सो आप लोग आइए, एक बार असम भी आइए, ये मेरा विनती है। ओडिशा में जैसे सभी आते हैं, प्रभु को दर्शन करते हैं। हाँ, शांति स्तूप हमारा धौली है। यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल है। हाँ, असम में जाएंगे तो हमें हाँ, क्या देखने को मिलेगा? जय माँ कामाख्या देवी का धाम है उधर, कामाख्या टेम्पल है। वहाँ कामाख्या टेम्पल है, आपको हमें कामाख्या देवी का दर्शन हो सकते हैं। और शिवसागर में शिवदौल है, तो हम अनेक हेरिटेज सर्किट भी है हम लोग का। और एक है वन हॉर्न राइनू, जो वर्ल्ड में फेमस है। वन हॉर्न राइनू काजीरंगा में मिलते हैं, वो देखने के लिए मिलेगा। नेशनल पार्क काजीरंगा भी है। और हम लोग का हुआ सबसे बिगेस्ट लार्ज वर्ल्ड लार्जेस्ट लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। यस, डेफिनेटली टी अनेक सा हम लोग का पास बहुत सा टी गार्डन है। आपको असम चाय मिलेगा उधर खाने के लिए भी। ओके, लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी ओडिशा को। आप ओडिशा के आकर और ऑर्गस न्यूज ऐसा कुछ कॉन्क्लेव कर रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोचता हूँ दुनिया का इंडिया में हर न्यूज चैनल को ऐसा करना चाहिए, तो प्रसार भी होगा टूरिज्म सेक्टर के लिए।